साथियों नमस्कार, वेलकम और आप सभी का स्वागत आज की मेरी इस नई वीडियो में। साथियों आज हम चल रहे हैं पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो कि भारत के चौथे गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे। साथियों 1957 में आपको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, अनेक उपलब्धियां आपके नाम हैं और हम में से बहुत कम लोग जानते हैं उनका मूल निवास स्थल। तो मैं आज उनके मूल निवास स्थल पर आपको लिए चल रहा हूं। पूरी वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा जिले के श्यामली पर्वतीय क्षेत्र खूंट गांव में आपका जन्म हुआ। साथियों आज हम खूंट गांव के लिए रवाना हो रहे हैं। खूंट गांव अल्मोड़ा से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर अल्मोड़ा रानीखेत नेशनल हाईवे पर चलने में कोसी नामक कस्बे से बाएं तरफ को चलकर 10 किलोमीटर आगे चलने से आप खूंट गांव पहुंचते हैं। पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म इसी गांव में हुआ। इनकी मां गोविंदी बाई और पिता मनोरथ पंत थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो गई तो उनकी परवरिश उनके नाना बद्रीदत्त जोशी ने की। यह आसपास का जो इलाका आप देख रहे हैं इसी गांव में पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने कभी बचपन बिताया और खेला। हम जब वहां गए तो वहां पर हमें उनकी एक छोटी सी समाधि स्थल या कहें स्मृति स्थल देखने को मिला। यहां जानकारी हमने प्राप्त की 1905 में उन्होंने अल्मोड़ा छोड़ दिया था। कहा जाता है उसके बाद वो इलाहाबाद चले गए थे। म्योर सेंटर कॉलेज में उन्होंने गणित और साहित्य के राजनीति विषयों में उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने जो अपने बचपन की पढ़ाई थी वो अल्मोड़ा नगर के रैमजे इंटर कॉलेज से प्राप्त की थी। कुमाऊं क्षेत्र का यह सबसे प्राचीन विद्यालयों में से एक रैमजे इंटर कॉलेज अपनी उपलब्धि अपनी शान में आज तक जस का तस खड़ा है। स्वतंत्रता प्राप्ति में पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने अनेकों संघर्ष किए। यह उनका जन्म स्थल है, यह उनका मूल स्थल है। जिस घर में वे रहे थे, जिस घर में वे पले बड़े होंगे, उस घर की एक दीवार मात्र अवशेष है। उस दीवार के बिल्कुल पास हम खड़े हुए हैं। वह दीवार अवशेष रूप में पुरातत्व विभाग ने संरक्षित की हुई है। आसपास छोटे बड़े सीढ़ीदार खेत और हमें बताया कि इसके पास में अब उनके नाम से एक बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है जहां उनसे संबंधित उनकी चीजें रखी जाएंगी। इसके अलावा भी एक मुख्य संग्रहालय अल्मोड़ा में है जहां पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी से संबंधित उनकी काफी चीजें रखी गई हैं। हमें ग्रामीणों ने बताया कि अब उनके परिवार से संबंधित कोई व्यक्ति यहाँ आता जाता नहीं है तो इसलिए यह स्थान वीरान है, लेकिन उनका यह जन्म स्थल है तो कई लोग यहाँ आना चाहते हैं। कई रिसर्च स्कॉलर यहाँ आते हैं और उनके संबंधित जानकारियां जुटाते हैं। तो साथियों एक छोटी सी प्रस्तुति पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के जन्म स्थल के बारे में। अगर आपको यह अच्छा लगा यह स्थान देखने में आप एक बार विजिट करें। जब भी आप अल्मोड़ा से शाली धार की ओर जाते हैं, शाली धार से थोड़ी आगे कोसी कस्बे में आप पहुंचते हैं, उसके बाद आप स्याही देवी मंदिर के मार्ग पर, इससे एक और वीडियो मैंने स्याही देवी मंदिर मोटर मार्ग वाली बनाई हुई है, आप हमारे चैनल में जाकर उसको देख सकते हैं। स्याही देवी मंदिर की जो वीडियो है उसको आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। स्याही देवी मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ से बिल्कुल पास में वह मंदिर दर्शनीय रमणीय और भव्य है। तो साथियों यह वीडियो अगर आपको पसंद आई है बाकी वीडियोज़ की तरह इसे भी लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।